वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस स्पेशल। नाजरीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कुछ दूसरे हवाले से, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मोदी ने चीन और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए इसराइल से जो है वो ड्रोन्स मांग लिए। जी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 40 करोड़ डॉलर के ड्रोन्स मोदी ने और हिंदुस्तान और इसराइल के माबैन मुहदे हुए हैं, जो 2 साल से पहले चीज़ें जारी थीं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था। और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 180 इसराइल साख्ता जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। और इस वक्त इसराइल चौथा बड़ा मुल्क है जो भारत को असलहा फराहम कर रहा है और दिफाई पोजीशन में उसे मजबूती का बायस बना हुआ है। तो ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं। अगर आप कहीं नहीं भी जाते, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दूँ। एक सियासी लीडर अल्ताफ हुसैन गुज़िश्ता 25 बरसों से ज़ायद यहाँ अपनी पार्टी चलाते रहे। मुराद ये कि कहीं फिजिकली जाना बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, आप फ़ोन पर और आप दीगर जो ज़राए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है वो कोई नया नहीं है, इनके दरमियान जो डील्स हैं वो कोई नई नहीं है। जैसे कि मैंने गुजारिश की कि गुज़िश्ता इसराइल जो है वो चौथा बड़ा मुल्क है जो भारत को असलहा फराहम कर रहा है, तो इसका मतलब डील्स तो इनके दौरान इनके बीच में जारी हो सारी हैं। इनको बताते चलूं कि नरेंद्र मोदी का जो मंसूबा है 2,500 अरब की लागत से इसराइल से कम अज कम 8,000 जदीद टेक्निकल मिजाइल और दिफाई सिस्टम के अलावा मुसल्ला ड्रोन खरीदने का मुतालबा उन्होंने कहा है और के खरीदेंगे इसराइल से 700 kg के मिसाइल हैं जिन पर तकरीबन 1,000 kg उन पर वजन लादा जा सकता है, मिसाइल और दीगर चीज़ें लादी जा सकती हैं। तो यहाँ एक वैसे ही सवाल पैदा होता है, ये एक जंगी जुनून इन पर सवार है। मैं अमूमन जब अर्ज करता हूँ हकाइक के साथ, इन्हीं के अपने नेशनल ब्यूरो रिकॉर्ड्स जो इनके मुल्की सतह के जमा करते हैं, और वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो मुकम्मल तौर पर नहीं लिखे जाते, यानी अगर कहीं कोई 10 कत्ल हुए हैं तो वो 5, 2, 4 बताएंगे। उन रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ जिनके मुताबिक। अच्छा, अगर मैं इस हवाले से बात करूँ, ये जो क्लिप हमारी इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है कि मोदी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, इस हवाले से आप थोड़ा बताएं हमें। मैं इस पर आऊंगा, पहले मैं अपनी वो वाली बात मुकम्मल करूंगा जो मैं आपसे कह रहा था कि जंगी जुनून इन पर इतना सवार है कि इन्हीं के नाक के नीचे हर साल तकरीबन 2600 ख्वातीन के साथ ज्यादती की जाती है, और इनके यहाँ करोड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं, ऐसी ख्वातीन हैं जो पानी से भी महरूम हैं। इसके बावजूद जंगी जुनून इतना सवार है कि आप किसी मुल्क का खौफ ऐसा लाहक है, अल्लाह अकबर की जो सदाएं आती हैं, जो बुलंद होती हैं, वो इतना आपको खौफ ज़दा रखती हैं कि आप बिलियन ऑफ डॉलर्स के जाके मुहैदे करते हैं। ये जो वीडियो क्लिप आप चला रही थी, ये उनके वहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के गालिबन मोहम्मद जमील हैं जो जिनसे मुलाकात करवाई है इसराइल ने मिस्टर मोदी की, और वहाँ पर और जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं जो इंडियन हैं वो भी उनकी एक कम्युनिटी है, वहाँ पर मुलाकात करवाई। लेकिन ये एक जो ख़ास मुलाकात है ना, ये एक ख़ास पैगाम भी हमें दे रहे हैं। मिस्टर जमील मोदी से ये कह रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपके यहाँ जो हमारी अहमदी कम्युनिटी है आप उन्हें खास सपोर्ट करते हैं, खास तावन करते हैं, जिस पर हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया जी हाँ हम तावन करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। एक जुमला आगे शायद लगाना भूल गए कि पाकिस्तान के खिलाफ या मुस्लिम दुनिया के खिलाफ, शायद इन्हें ये बोलना भी चाह रहे होंगे लेकिन वो जुमला चबा गए, या बराबर में मुमकिन है अजीत दोवल ने इन्हें बता दिया होगा नहीं लास्ट टाइम जो अमरीका में गलती की थी अब नहीं करनी। ये तमाम चीज़ें जो हमें मैसेज दिया जा रहा है ना, वो लोग जो पूरी दुनिया में मुसलमान मज़हब के खिलाफ, पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद हैं और इनकी दुश्मनी कहीं भी नेहा नहीं है, बिल्कुल आया है, वाजिह है चौधरी के चांद की तरह, आप उन्हें वेलकम करते हैं। इसराइल की बात कर लें तो आप उन्हें पनाह देते हैं, भारत की बात कर लें तो आप ना सिर्फ उन्हें पनाह देते हैं बल्कि आप उन्हें बूस्ट करते हैं, आप उन्हें उनकी उनकी रगों में जान डालते हैं। ये जो फर्क है, अच्छा दोनों फिर ये बेटी भाई भी हैं, इसराइल की बात कर लें और भारत की, दोनों बेटी भाई हैं। वो किस तरह यहाँ पर एक मुल्क काबिज है अपने 7 लाख अफवाज के साथ और लाखों, तकरीबन 1,25,000 से ज़ायद कश्मीरियों को जो है वो जहाने फ़ानी से कूच करना पड़ गया इनकी वजह से, इन्होंने जुल्म ज़्यादती का बाज़ार गर्म कर रखा है, और उसके तफसील में मुझे जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये मौजू बसाते खुद एक पूरा प्रोग्राम मांगता है और शायद पूरा सेशन मांगता है।
और इसराइल की बात कर लें तो इसराइल ने गजा में जो कैफियत ढा रखी है, जो कायामत ढा रखी है, जो बिल्कुल जुल्म बिल्कुल बपा कर रखे हैं, उनकी मिसाल फिर सिवाय भारत के कोई और नहीं मिलती। तो ये दोनों जब आपस में और मिलते ये हैं कोई ना, ढकी छुपी बातें नहीं है, पूरी दुनिया के वाजी हैं, सामने बिल्कुल अपशा है। वाजी हैं। बिल्कुल यानी बिल्कुल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर बात की है, अक्वामे मुत्तहदा ने इस पर बात की है, चाइना इस पर बात कर रहा है, अमरीका भी इस पर बात कर चुका है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। ये वो दोनों ममालिक हैं जो एक अपनी जगह जुल्म ढा रहा है। अभी 2015-16 में चले जाएँ तो ये मैं नहीं कहूँगा, आप अभी जाके एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट जाके सर्च करें, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, वेबसाइट सर्च करें और आप 2015-16 के हालात पढ़ें जो इसराइल ने गजा पे ढाए, 420 बच्चों का आपने कत्ल कर दिया। और यकीन करें आपको मैं ये बात कहूँगा, बाकायदा ये बात उसमें मेंशन है, बाकायदा ये बात अल जजीरा और दीगर चैनल्स ने चलाई, ऐसी खवातीन जो पेट से थी उनको निशाना बनाया गया ताकि बच्चे उनके दुनिया में आने से पहले ही मार दिए जाएं। इस कदर जुल्म की दास्तां आपने रकम की, अस्पतालों को निशाना बनाया गया जहां मरीज जाके अपना इलाज करवा रहे थे उनको निशाना बनाया, अच्छा, खास तौर पर अस्पतालों को, स्कूलों को, बिल्कुल कॉलेजों को आपने निशाना बनाया, बच्चों को आपने निशाना बनाया। ये इसराइल की कैफियत है और यही कैफियत, यही सेम कैफियत जो है आज हम कश्मीर में देख रहे हैं। यहाँ बैलेट गन्स चलाई जा रही हैं, बैलेट पेपर जहाँ चलाए जाने चाहिए थे, जहाँ पर बैलेट पेपर की ताकत होनी चाहिए थी, वहाँ पुलेट गन्स चलाए जा रहे हैं और वहाँ पर उन पुलेट गन्स के तहत आप लोगों को अंधा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इंटरनेट जो है वो सर्विस भी वहाँ मुअत्तल कर दी जी गई हाँ। है और हाई अलर्ट सिक्योरिटी भी अभी अभी की सिचुएशन बिल्कुल वही है। इन्हें इन्हें खौफ है बुरहान वानी का, कल जो है वो बरसी है और इन्हें यकीनन ये खौफ लाहक है। और एक हफ्ते पहले से ये ऐलान कर दिया गया था कि कश्मीर में कि बुरहान वानी के हवाले से एहतजाज किया जाएगा। भाई एहतजाज करना, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी मिसबा जमहूरियत कहलाने वाली मुल्क कंट्री हैं, ममलिकत हैं, आपको एहतजाज से कैसा खौफ है? आपको एहतजाज से क्यों कर बगावत की बू आती है? एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न होता है और आपका बदनुमा चेहरे पे अगर एहतजाज का खूबसूरत हुस्न आना चाह रहा है तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आपको क्या मसला लाहक है भाई? आप लोग आना चाहते हैं, लोग अपनी बात अगर बाहर ला करके दुनिया को बताना चाहते हैं, आपको झूठ लगता है तो आप छुपा क्यों रहे हैं? उनको बोलने दे झूठ, आखिरकार एक वक्त आएगा, कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते। यहाँ तो 70 बरस हो गए, कॉन्फिडेंस नहीं है, वजह कॉन्फिडेंस ना होने की यही है। उन्हें पता है कि हम झूठे हैं, उन्हें पता है कि ये लोग हमसे रूठे हैं, उन्हें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब गलत है, उन्हें ये मालूम है कि हमने जुल्म की इतनी दास्तानें यहाँ पर रकम कर दी हैं कि अगर इन लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुँच गई तो हमारा ये जो भद्दा चेहरा है ये मजीद बदनुमा हो जाएगा, इसके गढ़े इसके खड्डे मजीद लोगों के सामने आ जाएंगे। ये डरते हैं, ये चीज़ों को छुपाते हैं। आप ही ने कहा अभी कि वहाँ इंटरनेट सर्विस बंद है, वहाँ मोबाइल की सर्विसेज बंद है, वहाँ रवाबित के तमाम जितने आपको ये सुनकर हैरत होगी, वहाँ पर नौजवानों की जो बाइक्स हैं मिसबा, उनको लाकर के थानों में इतना इकट्ठा कर दिया गया है कि मेरी एक सीनियर अफसर से वहां पर कश्मीर में श्रीनगर में बात हुई, जिनका कहना है कि यहाँ थाने भर चुके हैं नौजवानों की बाइक से, बाइक तक नहीं चलाने दी जा रही, उन्हें ये डर है ये रैली की शक्ल में जब बाहर निकलेंगे ये आवाजें भी कसेंगे, ये नारे भी लगाएंगे, ये बुरहान वानी की बात भी करेंगे, एक ऐसे नौजवान की बात करेंगे जो आजादी की जंग लड़ा। आपके यहाँ तो भगवंत नाम मेरे अभी जहन में नहीं, मैं इनको रखना चाहता, वो हीरो हैं, सिंह साहब हैं कोई, और यहाँ पर अगर कोई आजादी की जंग लड़ता है तो वो आपके यहाँ जीरो है। यार ये स्टैंडर्ड कैसा है, ये मैयार कैसा दोगला है? अच्छा एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी कि मोदी जो है वो जब भी किसी मुल्क से मुलाकात करते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, इसराइल से उनकी मुलाकात के पीछे क्या मकसद है? देखिये मकासद इनके इस वक्त वो जंगी जुनून है जिसको शांति इन्हें मिल नहीं रही, इत्मीनानियत इन्हें मिल नहीं रही, ये परेशान है कि हम करें क्या। खौफ लाहक जब हो जाए ना तो एक बीमारी है, खास तौर पर नफसियाती बीमारी है, और उसमें मिसबा एक कैफियत होती है, ये बड़ी हकीकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल तंज नहीं कर रहा, साइकोलॉजिस्ट ये बात जानते हैं कि उस बीमारी में जब तक आप किसी को तकलीफ ना दें ना तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। उसको रिजेंबल किया है बिच्छू से, तो ये बिच्छू वाली वो बीमारी है ना, जब तक अब उस बीमारी को इत्मीनान देने के लिए भी तो कुछ ना कुछ जहर तो होना चाहिए, वो जहर ले रहे हैं। वो वीना मलिक ने कहा है, मैं मुझे बड़ा एक जुमला उनका याद आ रहा है, वो कह रही है कि जी सांप की सपोलिए से मुलाकात हो रही है, ये वीना मलिक के अल्फाज हैं आज ही के, तो ये उन्होंने बात किसी हद तक बड़ी दुरुस्त कही है कि ये एक सांप दूसरे सांप से जहर लेने गया है ताकि ये जो लोग अमन से शांति से प्यार से मोहब्बत से बस रहे हैं इन्हें जब भी डसने का मौका मिले और मौका बेमौका भी मिले तब भी हम इन्हें कैसे डसें, तो ये जहर लेने की कोशिशें। अच्छा इसराइल बड़ा चालाक है, इसराइल का मामला यकसर मुख्तलिफ है, वो किस तरह इस मामले में वो चीज़ें बेचता है और अब भी वो चीज़ें बेच रहे हैं, वो खरीद नहीं रहा। देखिए ज़रात के इनके दरमियान मामला तय हुए हैं इसराइल में, इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं है कि ज़राई वो एक ऐसा मुल्क जो बंजर जहाँ सहरा
मगर उसके बावजूद उन्होंने ज़राअत में तरक्की की और पूरी दुनिया में अपना सिक्का बनवाया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ज़राई तौर पर जो फ़ायदे भारत को लेने ये वो डील्स होंगी कि हम सीख सकें, बता सकें। इसराइल को इनसे ये सीखना है कि इतना बड़ा मुल्क आप उसे कैसे संभाल रहे हैं। तो मियाँ, इसराइल को पता नहीं है कि आपके यहाँ 100 से ज़ायद ऐसी तंजीमें चल रही हैं भारत में जो इनसे आज़ादी चाहती हैं, जो इनके शिकंजे से जान छुड़ाना चाहती हैं। इसराइल शायद ये बात जानता नहीं है, जानता है तो नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि उसे अपना सौदा बेचना है, उसे अपनी चीज़ें बेचनी है। लेकिन इसराइल ने बहाना ही बनाया। अब अपने मुंह से दुकानदार तो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं ये चीज़ें बेचना चाह रहा हूँ, महज इसलिए आपको वेलकम कर रहा हूँ, महज इसलिए मेरी पूरी काबीना यहाँ पर आपके सामने के दरबार में खड़ी है, वो ये नहीं कहेगा। वो ये कह रहा है कि मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ क्योंकि हमें भी आपसे सीखना है। अब मोदी साहब बड़े खुश हुए, इन्होंने अपना जो कुर्ता है उसका उसको सीधा किया, बाल जो सर पर नहीं है उन्हें थोड़ा सा हाथ फेरा और कहने लगे, मियाँ क्या चीज़ है जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, भाई हम आपसे सीखना चाहते हैं, इतना बड़ा मुल्क है आपका, आप इसे कैसे संभालते हैं? तो मोदी को थोड़ी देर के लिए खुद एतमादी में इजाफा हुआ, अच्छा कोई तो है जो ये मान रहे कि हम अपने मुल्क को संभाले हुए हैं, कश्मीर हमसे संभलता नहीं है। तो इन्होंने इसी खुद एतमादी में उन्होंने 400 बिलियन डॉलर की चीज़ें बेची, 600,000 इन्होंने कहा आने दो हमारा मुल्क, ये कह रहे हैं कोई नहीं पूरी दुनिया में मानता, ये कह रहे हैं हमने मुल्क को संभाला हुआ, जितनी चीज़ें ये हमें बेच रहे हैं वो आने दो हम खरीद लेंगे। इवन दो उन्होंने इसके नाम पर बकायदा वहां पर एक गांव का नाम रख दिया मोदी। अच्छा, इनके नाम से। इस टॉपिक को अगर हम इस तरह एक और टॉपिक को इसमें इंक्लूड करें कि आज जो है वो वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ताजिकिस्तान में होने वाली 4 मुल्की कासा कॉन्फ्रेंस में शरीक है, जहाँ उनकी अफगान सदर अशरफ गनी से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई, इस हवाले से बताए। ये गैर रस्मी बड़ी रस्मी थी। मैं खैर ये कौम को बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, जहाँ पर मोदी एक्टिव है, जहाँ पर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर आज़म भी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बिलाशुबा हमारे वज़ीर आज़म भी उतना ही मुतहरिक हैं। आए रोज़ उनके जो इंटरनेशनल दौरे हैं वो भी उसी तरह हो रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ये ममालिक हैं जिन्होंने आपकी जो शंघाई तआवुन तंजीम है उसकी रुकनियत में हिमायत का ऐलान किया था और वो बड़ी कारगर साबित हुई। तो इनसे मुलाकातें ये कोई नया सफर नहीं है, ये दहरीना सफर है जो जारी था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सफारतकारों की कामयाब पॉलिसी थी जिनकी हिमायत ने हमें ये रुकनियत मुकम्मल दिलवाई, जिसके साथ भारत भी कामयाब हुआ इसमें। तो ये तमाम चीजें, वो एक मुकाबला जारी है। अगर आप वहां पर मिसाइल खरीद रहे हैं तो ये हम अपने मिसाइल बना रहे हैं, आप तो लोगों से खरीद रहे हैं जो आपके नाम पर एक गांव आपके गुड़गांव आपके नाम पर कर देते हैं और आप यहां पर खुश हो जाते हैं। हमने अल्लाह का शुक्र है 2 दिन पहले अपने मिसाइल का तजुर्बा किया और कामयाब 1, 2, 3 कई तजुर्बात किए हैं। और ये वो मैसेज था। परसों मोदी साहब वहां पधारे और यहाँ धमाके हुए, नसर या गालिबा इसी तरह मिसाइल का नाम है उसका धमाका हुआ और आपने मैसेज दे दिया कि आप क्या धमाके करेंगे, हम यहाँ पर वाकयातन धमाके करें, जमीन से जमीन दूर तक मार करने वाला मिसाइल कामयाब तजुर्बा किया हमारे साइंसदानों ने, हमारी आर्मी ने, और बताया कि आप कितने ही मिसाइल खरीद लें ये भी वो जगह है जो नाकाबिले तस्खीर है। तो ये एक वाज़े पैगाम था, घबराने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चिंतक ये लोग हैं, इनकी जो है वो शांति कहीं भाग चुकी है, ये परेशान है कि अब हम क्या करें। तो वो बहरहाल वक्त है, वो साबित करेगा कि कौन कितना कामयाब है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करेंगे, माया नाज पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने इंटरनेशनल चैलेंज फाइट में पानामा से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। अच्छा, ये पानामा हमारी जान के नहीं छोड़ रहा, मतलब सियासी बात हो तो आप उसमें पनामा ले जाती है, और अब खेल की बात आई तो इसमें भी आप कह नहीं कि पनामा कोई, तो ठीक है पनामा के मुंह पे मुखे पड़ने चाहिए, उसने हमें तंग करके रख दिया है। तो बहरहाल मोहम्मद वसीम की बात कर रही है, इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, मुसलसल 6ठी फाइट लड़ रहा है और उस 6ठी फाइट में 4 को नॉकआउट किया और एक फाइट नहीं हारे, ये बड़ी, हमने लास्ट एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने तस्करा किया था इस फाइट का, इस फाइट कि आइंदा फाइट की वो तैयारी करें, जापान में कर कहीं मुकीम थे, और वही हुआ कि उन्होंने कौम को सुरखुरू किया, कौम को कामयाब किया और मुसलसल 6ठी फाइट की है, और 6ठी फाइट में 4 जो फाइट्स हैं उसमें नॉकआउट किया। और इसमें भी ऐसा हुआ कि उन्होंने 2 पंच मार के लिटा दिया और 8 राउंड थे इसमें, 8 राउंड थे और उन 8 राउंड में दूसरे राउंड में ही चित कर दिया, अभी 6 राउंड बाकी थे। तो हर किस्म के जहां मैसेज जाते हैं, तो इसराइल को और भारत को ये मोहम्मद वसीम का भी एक मैसेज था कि 8 राउंड होंगे मगर हमारे लिए 2 ही काफ़ी हैं, हमने चित कर देना है। मोहम्मद आमिर ने, मोहम्मद वसीम ने यहां पर 6ठी मुसलसल फाइट लड़ी और उसमें पाकिस्तान का चेहरा, रोशन चेहरा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये इस वक्त भी वर्ल्ड चैम्पियन है, नंबर 1 बॉक्सर है इस वक्त दुनिया के इस वक्त। तो ये जो मैसेजेस है ना, अल्लाह का शुक्र है कि खेल का मैदान हो, वो चैंपियन ट्रॉफी हो, या मोहम्मद वसीम जैसे टैलेंटेड लड़के हो, हमारे नौजवान हो यहाँ के, या फिर कोई भी दिफाई महाज हो,
हम कहीं पर भी किसी से पीछे किसी नहीं से है, पीछे नहीं कहीं है पर किसी से कम नहीं है। किसी किस्म का कोई अंडर एस्टिमेट ना किसी को समझे ना खुद को करें, ना ही अपना एतमाद खोने की जरूरत है। हर मैदान में हर जगह पर हम बिल्कुल, मुकम्मल मुकाबला जारी है। और इस जीत के बाद जो है वो बॉक्सर मोहम्मद वसीम अपनी शानदार कामयाबी पर बेहद खुश भी नजर आए। यकीनन जाहिर है कि एक बड़ी कामयाबी है, मुसलसल फाइट जीत रहे हैं और हार का उन्हें सामना नहीं हुआ। आगे जाके यकीन है ये चीजें खेल जीत का हिस्सा है, बिल्कुल खेल जीत का हिस्सा है, इसमें अगर होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक रिकॉर्ड साथ जो फाइट है वो मुसलसल लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम मुसलसल रोशन कर रहे हैं, क्रिकेट टीम की तरह और दीगर हमारी जो टीमें हैं उनकी तरह हमें यकीन इन पर नाज है। ये हमारे वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। ये जो लोग हम पर मिसबा, इसमें बड़ा एक वाज़ेह मैसेज है, खूबसूरत बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान में नौजवानों को तशद्दुद पसंदी की जानिब रागिब करने की कोशिश करते हैं या ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि यहाँ के नौजवान वो नहीं है जो आप समझते हैं, ये वो नहीं है खालिस्तान तंजीम के जिन्हें आप ये समझते हैं कि बागी हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, पाकिस्तान के लिए मारते हैं और मरते हैं। बिल्कुल, इसी मैसेज के साथ नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो खत्म होता जाता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौजूदात के साथ। जब तक के लिए अपनी मेजबान मिसबलाकारी और इरफान मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने गिबान।